नमस्कार। दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मेष राशि वालों का 2019 में स्वास्थ्य कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पुरुष महिलाओं को क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए हेल्थ से संबंधित समस्या पर। 2019 में छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दें तो पूरा साल आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक ठाक रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा अड़चन आने की संभावना तो नहीं है। शारीरिक समस्या की तुलना में मानसिक समस्या थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, जिसको हम तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, क्रोधित होना, शॉर्ट टेम्पर, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, इस तरह की समस्याओं का सामना थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। जुलाई अगस्त से या जुलाई अगस्त सितंबर तक या जुलाई अगस्त सितंबर तक 2-3 महीनों में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं, थोड़ा सावधान रहें, पानी, स्वच्छ पानी पिए और हेल्थी भोजन करें। अपने भोजन में फल, फ्रूट, हरी सब्जियों का उपयोग ज़्यादा करें। अपने घर, ऑफिस की सफाई पर ध्यान दें, इन्फेक्शन से बचें। कार्य के क्षेत्र में आपकी चिंता बराबर बनी रहेगी, आप अपने हेल्थ पर ध्यान जो देंगे उसमें इसका मेन कारण मोटापा ज़्यादा होगा, तो हैवी कैलोरी जो डोज होते हैं, हैवी कैलोरी भोजन होते हैं, तो ज़्यादा कैलोरी युक्त भोजन न करें, इस बात का ध्यान दें। नहीं तो उसका प्रभाव हार्ट पर होता है, लो बीपी, हाई बीपी पर होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इसलिए हैवी कैलोरी वाले भोजन को कम करें। आपकी दिनचर्या इस तरह की हो जाती है कि शारीरिक एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिलता, लेकिन इस विषय पर आपको ध्यान देना चाहिए। कम से कम 1-2 किलोमीटर रोज चलना चाहिए, कम से कम चलने का अभ्यास करें, जॉगिंग करें। जीवन में सबसे पहले सेहत मानी जाती है, उसके बाद ही धन दौलत मानी जाती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से आपकी सेहत में जो समस्या आती है वो पूरी तरह से ठीक होने लगेगी और आप पूरी तरह से तंदुरुस्त होने लगेंगे, चेहरे पर चमक आने लगेगी और सेहत पूरी तरीके से आप हष्ट पुष्ट रहेंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी, तो इस तरीके से तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप समस्या का सामना कर रहे हैं, ये समस्या अगर आपको बहुत पहले की है, क्रॉनिक समस्या है, बहुत पुरानी कोई समस्या का सामना आप कर रहे हैं, तो मैं एक विशिष्ट मंत्र आपको दे रहा हूँ जो मेष राशि वालों को ही आजमाना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र उन्हीं के काम में आता है। तो वो मंत्र का उपांशु जाप करें। उपांशु जाप का अर्थ है कि धीमी आवाज में जाप करें। यह मंत्र आपके हेल्थ को, चाहे आप स्त्री हों या पुरुष हों, आपके हेल्थ को ठीक करता है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल पावर को बैलेंस करता है। इस तरीके से आप लाभ लें। ये मंत्र है ओम भौम भौमाय धन्वंतरे नमः। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ, ओम भौम भौमाय धन्वंतरे नमः। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में बात करें, यानी धीमी आवाज में जप करें, और यह रेगुलर जाप करते रहना है। इससे जो आपकी पुरानी समस्या है उस पर आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस मंत्र के जाप से आपके शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आपको लाभ मिलता है। इस तरीके से इस मंत्र का जाप स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, 18 वर्ष के ऊपर कोई व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, कोई भी कर सकता है। ये खाली ध्यान दें, महिलाएं मासिक धर्म में 3-4 दिन का गैप करें, फिर आगे कंटिन्यू करें। इसके अलावा हर व्यक्ति इस मंत्र का जाप कर सकता है। आप जीवन में इसका लाभ उठाएं, आपका जीवन खुशहाल हो, यही मेरी शुभकामना। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी कुबेर साधना शिविर, जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है और जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान 2 दिन में संपन्न किया जाएगा। अगर आप 2 दिन के इस शिविर में भाग लेकर स्वयं साधना करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और मुंबई में ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेमिनार भी आयोजित होने जा रहा है। इस विधि के अनुसार मनुष्य के पिछले जीवन में जाकर समस्या का समाधान खोजा जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से सीखने के लिए
फॉर्म भर सकते हैं। यह विषय उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो प्राणिक हीलिंग, हिप्नोथेरेपिस्ट या किसी प्रकार का हीलिंग मेथड सीखे हैं, उसके द्वारा लोगों का उपचार कर रहे हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।